अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सफ़ीउल्लाह नदीम फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए रियल स्टेट से रिलेटेड न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू अपडेट्स लेके आते रहते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बहरिया लाहौर के सबसे सस्ते घर। आपको इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो मैं कोट करने जा रहा हूँ आपको और जिस लोकेशन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, आपको बहरिया के किसी प्रोजेक्ट में भी इस प्राइस में 5 मरला होम्स नहीं मिलेंगे। इवन के वो बहरिया नशेमन हो, बहरिया EMC हो, बहरिया ऑर्चर्ड हो, बहरिया टाउन लाहौर हो, हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सफारी होम्स। यहाँ पे आपको घर ऑफ़र किए जा रहे हैं 5 मरला के, जिसमें आपको 3 बेड मिलते हैं, 2 बाथ मिलते हैं, 1 किचन मिलता है और 1 TV लॉन्च मिलता है। ये आपको 5 मरला होम 72-75 लाख की ब्रैकेट में ऑफ़र किए जा रहे हैं। आप ये 5 मरला होम्स बहरिया ऑर्चर्ड Phase 4 के G6 ब्लॉक के अंदर 70-75 लाख की ब्रैकेट के अंदर हासिल कर सकते हैं। अगर हम इस प्राइस की बात करें तो इस प्राइस में आपको बहरिया के कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम डिस्कस कर लें तो आपको इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर घर नहीं मिलते। अब अगर हम इनके डेवलपर्स की बात करें तो ये घर क्यूलिंग्स की जानिब से ऑफ़र किए जा रहे हैं। क्यूलिंग्स की अगर हम पास्ट हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पास्ट हिस्ट्री है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर्स ऑफ बहरिया टाउन है। इनके अगर हम प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें मेजरली हम जैस्मिन मॉल का जिक्र करते हैं, जो आपका बहरिया टाउन लाहौर में तलवार चौक के पास है, जो कि एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, प्रॉपरली फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। अगर हम इनके दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, उसमें ब्रॉडवे हाइट्स एक बहुत बड़ा इनका प्रोजेक्ट है, जो कि डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। अगर हम इनके 2 बेड अपार्टमेंट्स की बात करें तो जैस्मिन होम्स हैं, जो कि बहरिया ऑर्चर्ड Phase 4 के G5 ब्लॉक में लोकेटेड है, वो भी एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा इनके मल्टीपल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं 20 से 23 के दरमियान, जो कि रेंज करते हैं। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियसली वीडियो के अंदर गाइड किया था कि आज हम सफारी होम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर 70-75 लाख के दरमियान 5 मरला होम्स ऑफर किए जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा अब इसका कंपैरिजन करते हैं बहरिया की दूसरी सोसाइटीज़ के साथ, इवन कि अगर हम रायवन रोड पर रहते हुए इसका छोटी सोसाइटीज़, जो बहरिया की नस्बत छोटी सोसाइटीज़ हैं, उनके साथ भी कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 5 मरला घर इस प्राइस में नहीं मिलता। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 मरला होम्स आपको 70-75 के अंदर ऑफ़र किए जा रहे हैं। अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड में ही रहते हुए Phase 2 वाली साइड पर चले जाते हैं या Phase 4 में ही रहते हुए अगर कोई हमारा क्लाइंट अपना प्लॉट परचेज़ करता है तो आपको 5 मरला का प्लॉट 50 लाख प्लस माइनस में मिलता है। अगर आप उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड करते हैं, जो कि मिनिमम 70-80 लाख है, तो ये आपको 5 मरला घर ऑलमोस्ट 1.30 करोड़ का पड़ जाता है। अगर हम इसका कंपैरिजन बहरिया टाउन लाहौर के साथ करते हैं, उधर भी अगर आप 5 मरला प्लॉट लेके अपना घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको राउंड अबाउट 2 करोड़ का पड़ जाता है बहरिया टाउन लाहौर के अंदर। इवन कि अगर आप रीसेल में कोई घर खरीदते हैं तो वो आपको 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 लाख इस प्राइस ब्रैकेट में मिलता है। अगर हम इनकी दूसरी सोसाइटीज़ की बात करें, जिसमें बहरिया नशेमन है, बहरिया EMC है, वहाँ पे भी आपको 5 मरला घर 1 करोड़ के प्लस माइनस में मिलता है। इवन कि आप इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर बहरिया EMC नशेमन के अंदर भी 5 मरले का घर अफोर्ड नहीं कर सकते, दो की उनकी लोकेशन फिरोजपुर रोड पर हैं। रायवन रोड एक बेहतर लोकेशन है और बहरिया ऑर्चर्ड की स्टेम डेवलपमेंट बहरिया नशेमन और बहरिया EMC से बहुत बेहतर है और बहुत ऊपर है इस टाइम। बिकॉज अगर हम बहरिया ऑर्चर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट अमेनिटीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका जू है, मॉस्क है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, 160 फीट वाइड इनका मेन बुलेवार्ड है, और सेकेंडली बहरिया ऑर्चर्ड Phase 4 की एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा कमर्शियल बन रहा है, जो कि किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम स्पेसिफिकली सफारी होम्स की बात करते हैं तो G6 ब्लॉक के अंदर ही आपका आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपका सेंट्रल मॉल बन रहा है, तो जो भी सफारी होम्स में रेजिडेंस करेगा या ये घर खरीदेगा, उसको एक तो एक्सेसिबिलिटी कमर्शियल की बहुत आसान हो जाएगी, इवन कि उसको अपने ब्लॉक के अंदर ही एक मॉल देखने को मिल जाएगा। अगर वो इससे भी ज़्यादा अच्छा कमर्शियल इंजॉय करना चाहता है तो उसको बहरिया ऑर्चर्ड Phase 4 की मेन एंट्रेंस पर एक मेजर कमर्शियल मिल रहा है, जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। आपका टाइम स्क्वायर मॉल है, बहरिया स्काई है, और इसके अलावा SQ मॉल है, और अरेबियन 99 मॉल है, और भी काफ़ी मल्टीपल मॉल्स बहरिया ऑर्चर्ड Phase 4 की एंट्रेंस पर बन रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियसली कंपैरिजन किया कि अगर हम बहरिया कि किसी और सोसाइटी में मूव करते हैं, इवन दो लोकेशन इससे थोड़ी हल्की कह लें, जिस तरह फिरोजपुर रोड है उसकी हम बात करते हैं, तो कंपैरेटिवली रायवन रोड से इस टाइम कम हॉट लोकेशन है। रायवन रोड इस टाइम आपकी ज़्यादा प्राइम और हॉट लोकेशन कंसिडर की जाती है, बिकॉज इसके पास से ही आपका रिंग रोड गुजर रहा है। रिंग रोड से आपका पूरे लाहौर के अंदर कनेक्शन
20-30 मिनट्स में आप कहीं पर भी लाहौर में पहुंच सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि इतने सस्ते रेट पर क्यों ऑफर किए जा रहे हैं, बेसिकली जो आपका डेवलपर होता है वो प्लॉट्स बल्क में बाय करता है, जिसकी वजह से उसको एक मुनासिब रेट, एक अफोर्डेबल रेट मिलता है एंड यूज़र की नस्बत, जिसने एक सिंगल प्लॉट बाय करना है। वेयर एज यहाँ पे आपको 300 से 400 यूनिट देखने को मिलते हैं सफारी होम्स के, तो उनकी बाइंग में भी काफ़ी कॉस्ट सेविंग होती है। सेकेंडली जब ये कंस्ट्रक्शन में करते हैं तो वो भी एक बल्क कंस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से इनको मटेरियल में काफ़ी पैसे बचते हैं और लेबर कॉस्ट इनकी काफ़ी सेव हो जाती है। और सेकेंडली इनके साथ ऐसे आर्किटेक्ट्स, ऐसे इंजीनियर्स अलाइंड होते हैं जो इनको बताते हैं कि किस तरह का हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें हमारी मैक्सिमम कॉस्ट सेविंग हो और एक हम अफोर्डेबल और अच्छे रेट पे अपने क्लाइंट्स तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकें। अगर हम इन घरों का बैरियर से बाहर निकल के बाकी सोसाइटीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं, जो रायवन रोड पे जिस तरह आपकी लेक सिटी आती है, आपका अल कबीर की सोसाइटी आती है, किंग्स टाउन आता है, मरियम टाउन आता है, उधर के घरों के साथ, उधर के प्लॉट्स के साथ अगर इस पांच मल्ला होम का हम कंपैरिजन करें तो उनकी नस्बत भी रिलेटिवली इसकी प्राइस बहुत लो है। अब जैसे कि आपको पता है मरियम टाउन, किंग्स टाउन में वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो बहरिया ऑर्चर्ड में आपको मिलती हैं, जैसे कि मैंने आपको कमर्शियल के बारे में बताया, जू के बारे में बताया, मॉस के बारे में बताया और दीगर यहाँ पे काफ़ी सारी अमेनिटीज़ हैं। जैसे मैंने बाकी अमेनिटीज़ के बारे में आपको बताया, अगर हम अल कबीर को देखते हैं तो वहाँ पे आपको 3 मरला घर 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, इवन कि 1 करोड़ 40 लाख तक वहाँ पर डिमांड किया जा रहा है। वेयर एज यहाँ पर आपको 5 मरला घर उससे कंपेरेटिवली 50-60 लाख चीपर मिल रहा है। और अगर हम लेक सिटी की बात करें तो वहाँ पे आपको 5 मरले का घर अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ का मिलता है। और अगर हम आगे मूव करते हैं रायवन रोड को, बहरी ऑर्चर्ड फेज 4 से भी आगे जाते हैं तो आपको किंग्सटाउन मिलता है। किंग्सटाउन के अंदर आपको 3 मरला घर 1 करोड़ के प्लस माइनस में देखने को मिलता है। अगर हम मरियम टाउन की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 के प्लस माइनस में देखने को मिलते हैं 3 मरला घर। वेयर एज ये 5 मरला घर है, 2 मरला का आपका एक्सेस लैंड भी है और सेकंडली बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर आपको ये घर ऑफर किए जा रहे हैं। अगर हम इनके डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर कुछ घर के ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुके हैं, कुछ का काम भी जारी है, कुछ का फर्स्ट फ्लोर तक ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर हम इसके बुकिंग प्रोसीजर की तरफ आते हैं तो बुकिंग प्रोसीजर इसका बहुत सिंपल है। ये डील आज से 3 साल पहले लॉन्च की गई थी क्यूलिंग्स की जानिब से 2020 के अंदर, तो ऑलमोस्ट सारी इंस्टॉलमेंट्स लोगों की जा चुकी हैं क्योंकि 60 लाख के लॉन्च किए गए थे। और इस पर लोकेशन वाइज ऑन डिमांड किया जा रहा है 15 से 25 लाख के दरमियान, वो डिपेंड करता है आप कौन से लोकेशन का यूनिट पसंद करते हैं। और सेकंडली इसमें आपको एक मिनिमम से ट्रांसफ़र फीस पड़ेगी जो कि 75,000 की है। और टैक्स की अगर हम बात करें तो 3% वो फाइलर के लिए है जो कि 1,62,000 बनता है। अगर आप ओवरसीज़ क्लाइंट हैं तो आपके लिए कोई इसमें टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आप ये मिनिमम अमाउंट दे के जो कि 70-75 लाख बनती है अपने यूनिट्स को रिज़र्व कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई मज़ीद और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है, इस टाइम मेरा स्क्रीन पर नंबर अपेयर हो रहा होगा, आप किसी टाइम भी इस पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करूँगा और इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपरली गाइड करूँगा। ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रियल इस्टेट के तमाम मामलों से ऐसे ही अपडेट रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।